गोल्ड मार्केट में सोने के निर्खों में होशरुबा इजाफा। एक ही रोज में सोना 1,150 रुपए महंगा। खालिश 24 खिलाफ फी तोला सोना 81,050 रुपए का हो गया। 22 खिलाफ फी तोला सोना 74,435 रुपए का हो गया। पंजाब असेंबली में तमाम मुतालबाते जर मंजूर। दो रोज में मजमूई तौर पर 18,24,000,000,000 से जायद के मुतालबात मंजूर। फाइनेंस बिल की मंजूरी से बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इजलास कल सुपहर 3 बजे तक मुलतवी। पंजाब असेंबली का बजट सेशन इजलास। महकमा ज़राअत की मद में 18,96,00,000,000 से जायद। अराजी की मद में 4,49,00,000,000 से जायद का मुतालबा जर मंजूर। जंगलात की मद में 4,05,00,000,000 से जायद। एफयून की मद में 1,00,00,000,000 से जायद का मुतालबा जर मंजूर। पुलिस की मद में 1,15,00,000,000,000 से जायद का मुतालबा जर मंजूर किया गया। अपोजिशन की जानिब से ज़राअत पर कटौती की तहरीक मुस्तरद। बढ़ती महंगाई के मुकाबले में तनख्वाहों में इजाफा मामूली है। एपका मुलाजमीन का काम छोड़कर एक बार फिर एहतजाज। चेयरिंग क्रॉस पर धरना। तनख्वाहों में 10% इजाफा बराए नाम करार। 50% इजाफे और सेक्रेटेरियट मुलाजमीन के बराबर मराहत देने का मुतालबा। बढ़ती महंगाई आवाम दुश्मन। बजट के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा। शेड मजदूरों ने रेलगाड़ियों मालगाड़ियों के लिए एहतजाजन डीजल की सप्लाई रोक दी। हुकूमत और रेलवे इंतजामिया के खिलाफ नारे। तनख्वाहों में 50% इजाफे। अपग्रेडेशन का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन से हुकूमत वादा वफा करने में नाकाम। कारपोरेशन के लिए ऐलान करदा बेल आउट पैकेज ताहाल जारी न किया जा सका। फंड्स न होने से स्टोर पर अशियाए जरूरिया की शदीद किल्लत। बुनियादी अशिया भी दस्तियाब न होने पर सारिफीन की मायूस वापसी। फ्लोर मिल्स की जानिब से आटे की कीमत में इजाफा और किल्लत। पंजाब हुकूमत का फ्लोर मिल्स का स्टॉक चेक करने का फैसला। सूबाई वजीर खुराक कहते हैं तमाम मामलात अफहामो तफहीम के साथ चलाएंगे। आटे की मसनूई किल्लत पैदा नहीं होने देंगे। हुकूमत ने लोगों से जिंदगी छीन ली। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं लोगों के पास दो वक्त की रोटी नहीं। पीटीआई वालों को आवाम के कहर से डरना चाहिए। भांत भांत की बोलियां बोलकर समझते हैं हमेशा इख्तदार में रहेंगे। पार्टी को आइंदा मरियम नवाज लीड करेंगी या हमजा शहबाज। मुस्लिम लीग नून में तख्त की जंग। सूबाई वजीर इतलास सैयद शमसान बुखारी कहते हैं एपीसी में शिरकत करने वाली तमाम सियासी जमातें कंफ्यूज्ड हैं। जमीन फटी ना आसमान गिरा। मनावा में दिलखराश वाकया। सफाक दरिंदों के हाथों 15 साला लड़का ज्यादती के बाद कत्ल। मकतूल रेहान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़े। लाश पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। 5वें की तलाश जारी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का नोटिस रिपोर्ट तलब कर। बिनते हवा हूं मैं क्या यही जुर्म है मेरा। तेजाब गर्दी के वाके में जख्मी होने वाली खातून दम तोड़ गई। गुज़श्ता हफ्ते तेजाब हमले में 35 साला नादिया का 80% जिस्म झुलस गया था। मुतासरा खातून ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर शोहर को माफ कर दिया। बैरून मुल्क सफर करने वाले हो जाएं होशियार। परवाज भरने से पहले मुसाफिरों को अपनी मालूमात एफबीआर को फराहम करना होंगी। बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म का मुसविदा जारी। बैरून अक्वामी मुसाफिरों को ममनुआ सामान आलात सेटेलाइट फोन और दीगर अशिया की मालूमात देना होगी। बैरून अक्वामी मुसाफिरों के लिए 7 रोज में किए गए गैर मुल्की दौरों की तफसीलात भी लाजमी जमा करवानी होगी। महकमा सेहत और आईपीएस की मिन्नत तरले रायगां। टीबी के मर्ज की रोकथाम का बड़ा मंसूबा खुद्दे लाइन लग गया। तशखीस और तहकीक के लिए 2 करोड़ की लागत से बनाई लेबोरेटरी पर ताले डाल दिए गए। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को तहफ्फुज फराहम करने में नाकाम। ओवरसीज पाकिस्तानी से लाखों का फ्रॉड साबित। साबिक डीआईजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हो सका। मुतासरा ओवरसीज पाकिस्तानी इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर।
अस्पतालों के इन्फेक्शन वाले प्लास्टिक से बनने वाली अशिया के खिलाफ नैब मुतहरिक। इन्फेक्शन वाले बर्तनों से बीमारियों का फैलाव बढ़ता जा रहा है। डीजी नैब लाहौर की जेर सदारत इजलास। कमिश्नर लाहौर, डीसी, महकमा सेहत समेत जिला इंतजामिया के अफसरान की शिरकत। नैब का लाहौर मोटरवे सिटी हाउसिंग स्कीम के गिर्द घेरा तंग। एलडीए से लाहौर मोटरवे सिटी का रिकॉर्ड तलब कर दिया। शहर आफाक गुलकार राहत फतेह अली खान की एफबीआर को टैक्स अदायगी। राहत फतेह अली खान ने 6 लाख रुपए टैक्स अदा किया। एफबीआर ने राहत फतेह अली खान का ऑडिट करने के बाद टैक्स आयद किया। 40,000 रुपए वाले प्राइज बॉन्ड्स की फरोख्त बंद हो गई। प्राइज बॉन्ड्स 31 मार्च 2020 के बाद काबिले कबूल नहीं होगा। वापसी के इव्ज नकद अदायगी भी बंद। स्टेट बैंक का ऐलामिया जारी। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। सरकारी अस्पताल रिटायर्ड मुलाजमीन को मुफ्त इलाज अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान को मरासला जारी। साइबर गुंडागर्दी और ऑनलाइन हिरासगी की शिकायत में इजाफा। सदेबाब के लिए एफआईए का खसूसी सेल गैर फाल हो गया। रवां साल 5020 दरख्वास्तें ताखीर का शिकार। 4 अफसरान के दम पर चलने वाले सेल ने शिकायत पर सिर्फ 21 छापे मारे। पंजाब हुकूमत ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को डेडलाइन तक मुकम्मल करने में गैर संजीदा। एमडी सत्यन फजल हलीम की मुद्दत पूरी होने के बाद ओहदे पर नई तैनाती ताखीर का शिकार। अदालती हुकुम पर हुकाम के सत्यन फजल को बगैर अहकामात काम जारी रखने के जुबानी अहकामात। बाकायदा एमडी ना होने पर बरवक्त फैसले ना होने से मुश्किलात मजीद बढ़ने लगी। ज्यादातर पार्लियामेंटेरियंस शुगर मिलों के मालिक हैं। सुना है रमजान बाजारों की चीनी अब तक फरोख्त हो रही है। मुर्गी का रेट रोज क्यों बदलता है। हाई कोर्ट में महंगाई में इजाफे के खिलाफ समाअत पर जस्टिस मामून रशीद शेख के रिमार्क्स। कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा फराशा पेश। अदालत का महंगाई कंट्रोल करने के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करने, इजलास तलब करने का हुक्म। लाहौर की 274 यूसीज बदतरीन माली बहरान का शिकार। सेक्रेटरीज कासिद की तनख्वाहों और यूटिलिटी बिल्स की अदायगियां रुक गईं। किराए की इमारतों में कायम 120 यूसी ऑफिसेज के किराए भी अदा ना हो सके। तब्दीली सरकार ने तमाम यूसीज के इकलौते एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी डायरेक्टर, लोकल गवर्नमेंट को भी ओहदे से हटा दिया। मेरा दिल अब भी लाहौर में धड़कता है। मजबूरी का दूसरा नाम जिलावतनी है। मुस्लिम लीग नून के ताजिर रहनुमा हाफिज अमीर अली आवान कहते हैं इमरान खान नियाजी का इख्तदार अब कुछ दिनों की बात है। नून लीग ही मुल्क के अंधेरे दूर करेंगे। हाजी कैंप में हाजमीन हज की वैक्सीनेशन। सरकारी स्कीम के तहत हज पर जाने वाले 25,000 हाजमीन की वैक्सीनेशन की जाएगी। महकमा सेहत के 20 से ज्यादा मेडिकल कैंप अमला तैनात। महकमा सोशल सिक्योरिटी ने घरेलू मुलाजमीन से मुतालिक एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी। एप्लीकेशन के जरिए घरेलू मुलाजमीन और मालिकान की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। हाईकोर्ट का हुकूमत को खिदमात पर टैक्स लेने के लिए कानून साजी का हुक्म। कानून साजी न करने पर इसी नौहियत के तमाम मुकदमात में हुक्म इम्तनाही जारी करने की भी तंबी। शहरियों की दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल समेत दीगर लॉ अफसरान पेश हुए। शादी स्कैंडल में गिरफ्तार दो चीनियों की जमानत मंजूर। मुलजिमान की पाकिस्तानी बीवियों के बयानात की रोशनी में अदालत ने जमानत मंजूर की। अदालती हुक्म पर 2-2 लाख की जमान की मचल के भी जमा करवा दिए गए। एहतसाब अदालत में सबतैन खान के खिलाफ गैर कानूनी ठेकों के केस की समाअत। साबिक वजीर जंगलात 3 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। नैब ने साबिक सूबाई वजीर जंगलात को अदालत पेश कर दिया।
तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद रिमांड की सदा। आवाम के मुहाफिज ही चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने लगे। जोहर टाउन में पुलिस अहलकार दीवार फैलांग कर शहरी के घर में दाखिल। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 को मौसूल। थाना नवाब टाउन पुलिस ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया। मुतासरा शहरी का इल्जाम। एबिट रोड के प्लाजा में आते जदगे इमदादी टीमों ने बर्वक कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। इतला मिलने पर डीसी सालिया सईद भी मौके पर पहुंच गईं। आतिशबाजी से लाखों का सामान जलकर खाक। बड़े नाम वालों के छोटे काम। गैर मुमालिक से दरामद करदा जायदुल मायाद कॉफी फ्लेवर्स चाय की पत्ती और दूध से गाहकों की तवाजे करने वाले बेनकाब। गुलबर्ग में मारूफ चैन की 3 कॉफी आउटलेट्स और 2 गोदाम सील कर दिए। हजारों किलोग्राम कॉफी चाय और खुश दूध कब्जे में ले लिया गया। वज़ीरे आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सियासी सूरत हाल इंतजामी मामलात और दीगर अमूर का जायजा लिया। वज़ीरे आला का गाड़ी चलाने का शौक या वज़ीरे आज़म के नक्शे कदम पर चलने का जुनून। असेंबली में गाड़ी खुद ड्राइव करके आए और वापस भी गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक जापान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से जापान के सफीर की भी मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं मुल्क में जमहूरियत के फरोग के लिए कोशां। पंजाब हुकूमत पुलिस इस्लाहात के लिए सरगर्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं कि पुलिस इस्लाहात के लिए तजावीज 1-2 दिन में वज़ीर आज़म को भिजवा दी जाएंगी। बजट सेशन के बाद पुलिस इस्लाहात में तेजी से काम शुरू हो जाएगा। हुकूमत का किसानों को सस्ते दामों बीज फराहम करना तरजीह। पंजाब सेट कारपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। सूबाई वजीर ज़राअत कहते हैं 5.5 अरब के टारगेट बजट की मंजूरी दी। मुल्क को अजीम बनाना है तो तलबा पहले खुद को बेहतर करें। पंजाब यूनिवर्सिटी में फरोगे अमन कॉन्फ्रेंस से बेगम गवर्नर परवीन सरवर का खिताब। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं बोले तलबा यूनियन अगर लड़ाई झगड़े के बगैर चले तो अच्छी बात है। जापानी सफीर का अहलिया के हमरा लाहौर म्यूजियम का दौरा। बुद्धमत और गंधारा तहजीब से मुतालिक नवादरात में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। अजायब खाना में बेशकीमती नवादरात देखकर जापानी सफीर का इजहार मुसर्रत। जापान के सफीर का लाहौर प्रेस क्लब का भी दौरा। सदर लाहौर प्रेस क्लब ने जापानी सफीर को क्लब की तारीख से मुतालिक आगाह किया। नाइजीरिया के इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी के वफ्द का IPH का दौरा। प्रोफेसर ज़रफ़िशां ताहिर ने वफ्द को मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया। वफ्द ने IPH के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी को सराहा। मॉल रोड के ताजरों का रजाकाराना तजावुजात खत्म करने का फैसला। सदर मॉल रोड सोहेल महमूद भट्ट की ज़ेरे सदारत इजलास। अहम तरीन शाहराह का तारीखी और रिवायती हुस्न बरकरार रखने के लिए मिलकर इकदाम पर ज़ेरे गौर। PCB का कौमी खातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 कैटेगरीज निदा डार और सना मीर 1 कैटेगरी में शामिल। वुमेन क्रिकेट की मारात में भी इजाफा कर दिया गया। और पंजाब जिमनेजियम हॉल में कौमी जूनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स। सूबे भर से 200 बच्चे और बच्चियां शरीक। टूर्नामेंट में अंडर 15 और अंडर 18 की टीमें तश्कील दी जाएंगी।